हाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए दिवाली शुभ होगी और आने वाला साल भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। इसी कामना के साथ मैं आज अपना वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। थोड़ी सी बात करूंगी आपसे आज। अक्सर मैं रंगोली जमीन पर ही बनाती थी क्योंकि दिवाली है, दिवाली में लोग रंगोली बनाते, मैं भी बनाती थी। लेकिन इस बार कोविड की वजह से मैं घर के बाहर रंगोली नहीं बना सकती, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नए ढंग से मैं रंगोली बनाऊं। तो इसीलिए मैंने ग्लिटर शीट को यूज़ करके रंगोली बनाई है, जो कि बहुत सिंपल। मैंने जो रंगोली बनाई है वो बहुत सिंपल है। इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। आप इसमें स्टोन्स लगा सकते हैं, आप इसमें मोतियों की, जो छोटी छोटी मोतियों की लड़ी आती हैं, आप वो लगा सकते हैं। इसको कई तरह से डेकोरेट किया जा सकता है। इसको बनाने के लिए मैंने ग्लिटर शीट तो यूज़ की है, इसको मैंने प्लास्टिक के ऊपर चिपकाया है। इसका एक फ़ायदा और है कि इस रंगोली को इस पे अगर पैर भी रख दिया जाए तो ख़राब नहीं होगी। जो हम रंगों से रंगोली बनाते हैं, अगर उस पे कोई पैर लगा देता है तो हमें दुख होता है कि रंगोली जब ख़राब हो जाती है। आप इसके ऊपर प्लास्टिक से इसको कवर कर दीजिए, कोई भी आएगा जाएगा इस पे पैर भी रख दे तो आपकी रंगोली ख़राब नहीं होगी। पूजा के पास ये भी एक तरह से रंगोली बनाई जा सकती है। इसको आप पूजा के पास रख सकते हैं या उसमें इसको भी मैंने सेलोफेन शीट पे चिपकाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। और इसके ऊपर भी आप कवर लगा करके इसको रख सकते हैं। ये इस रंगोली का बनाने का फायदा एक और भी है कि आप इसको अगले साल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपका कभी किसी को कुछ देना है, जैसे किसी के घर में शादी वगैरह है, उसमें भी इस तरह से, ये सिर्फ रंगोली नहीं, आप ये इसमें से जो भी चीज़ है, जैसे स्वास्तिक है या कुछ है या गणेशा है, इस तरह से आप जो भी गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रहे हैं उनमें भी लगा के दे सकते हैं, तो वो देखने में थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। अक्सर मैं मिट्टी के दियों को पेंट करके लोगों को गिफ्ट किया करती थी। इस तरह की मूर्तियाँ भी, जैसे ये सन फेस है, गणेशा है, या मिट्टी के दिए, उन जो कलश टाइप के दिए होते हैं, उन सबको पेंट करके, उनको डेकोरेट करके मैं अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करती थी। तो आप भी कर सकते हैं इस तरह से पेंट करके। अगर आप हाथ से बना के कोई भी चीज़ देते हैं तो लेने वाले को भी खुशी होती है और आपको तो देने में अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से आपकी जो दिवाली की जो वो है, फेस्टिविटी है, वो बढ़ जाती है कह सकते हैं हम एक तरह से। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये रंगोली का आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय।